प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव नहीं होगा, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश दिया है, जिसको सरकार मानेगी, लेकिन भाजपा पिछड़े वर्ग के लोगों को ओबीसी आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा दिलाकर मान्यता दी है। इस चुनाव में भी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था उसमें भी ओबीसी आरक्षण की बात थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो भी निर्णय लेगा उस पर पार्टी तैयार है, उस तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निकाय चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएंगे और जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो निर्णय लेगा भाजपा उनके निर्देशों का पालन करेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाकर ओबीसी आरक्षण के लिए एसएलपी दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, उसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, देखिए कोर्ट जो भी आदेश देगा सरकार उसको मानेगी, लेकिन कुल मिलाकर करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को ओबीसी का आयोग बना कर करके उसको संवैधानिक दर्जा दे करके मान्यता दी है। इस चुनाव में भी जो सरकार ने अपना पक्ष रखा था उसमें ओबीसी आरक्षण की बात थी। आज जब कोर्ट ये कर रहा है तो चुनाव आयोग जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तैयार है और उस तैयारी के साथ जो है चुनाव हम लड़ेंगे। और त्रिस्तरीय जो सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, तो जिसमें निकाय का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह से ही बहुमत लेकर के जो है सरकार बनाएगी और जनता के हित के लिए कार्य करेगी। हम तो पार्टी के स्तर पर चुनाव तैयार हैं, सरकार को निर्णय लेना है और आयोग को निर्णय लेगा। सरकार और आयोग जो भी निर्णय ले, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के नाते अपने योग्य कार्यकर्ताओं को उसमें ला करके चुनाव लड़ाने का काम करेगी।